नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूँ आपके साथ भावना शर्मा और इस खास सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं आपकी राशियों की, यानी कि 2020 में कैसा रहेगा राशियों के हिसाब से ये आने वाला साल 2020 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। इसी के साथ साथ बात होगी आज कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियंस के लिए 2020 कैसा रहेगा। बात होगी आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ की, आपके लिए करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, साथ ही साथ में सेहत को हम कैसे भूल सकते हैं। तो सेहत के लिहाज से भी 2020 में क्या कुछ सावधानियां, क्या एहतियात आपको बरतने हैं, इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं कि कार्ड्स के लिहाज से आपके लिए ये साल कैसा रहेगा। तो 2020 यानी कि 2020 में जो एक्वेरियंस के लिए पहला कार्ड निकल रहा है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, द जजमेंट एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स कार्ड निकल रहा है। सबसे पहले हम बात करें आपके लिए जॉब, जो लोग जॉब करते हैं और ख़ास तौर पे कंप्यूटर्स के डिपार्टमेंट में, आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, कोई ऐसे टेक्नोलॉजी वाला लाइन है, आप लोगों के लिए जॉब प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बेहतर बनेंगे ईयर के स्टार्टिंग में। और मे बी 5 जनवरी से लेकर के 16 अप्रैल तक का समय ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इस अवधि में ट्रैवलिंग्स आपकी बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपके जॉब से जुड़े हुए, आपके काम से जुड़े हुए। इस अवधि में जितना हो सके लोगों के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, जितना सामाजिक दायरा बढ़ेगा आप लोगों का, उतना ही आपका नेम फेम बढ़ेगा, उतनी ही आपकी छवि जो है वो बेहतर बनेगी आपके सीनियर्स के सामने। बात करी जाए आपके लिए मिड ऑफ़ द ईयर की, तो जो जॉब करते हैं उन लोगों के लिए मिड ऑफ़ द ईयर में भी थोड़ा सा एक लेजीनेस बढ़ेगी आप लोगों के लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ करेंगे, साथ ही में लोगों के साथ एक आइसोलेशन आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि इस अवधि में चेंजेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और एक आइसोलेशन वाला पीरियड भी रहेगा। मे बी इस टाइम पीरियड में आप लोग जॉब को चेंज करने के बारे में सोचें, और एग्जैक्टली टाइमिंग की बात करूं तो 15 जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का समय ऐसा रहेगा जिसमें कि चेंज ऑफ प्लेस, चेंज ऑफ जॉब या फिर आपके बिहेवियरल चेंजेस भी इस समय में नज़र आएंगे, जिसकी वजह से थोड़े बहुत लॉसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। बट चीज़ों को रीगेन करने का समय जो दिखाई दे रहा है वो नवंबर ऑनवर्ड्स रहेगा। दैट मीन्स साल के एंडिंग के 2 महीने जो रहेंगे वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपके लिए रहेंगे। दैट मीन्स कि जो छवि आप गंवाएंगे उस छवि को रीगेन आप कर सकते हैं एंडिंग के 2 महीनों के अंदर। लगभग 16 नवंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक का 2020 का समय ऐसा रहेगा जिसमें कि आपको खास तौर पे ऐसी कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका आपको मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा होगा या जिसके बारे में आप काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है मिड ऑफ द ईयर का। दैट मीन्स 2020 में आप लोगों के लिए साल का जो बीच का समय रहेगा इसमें आपको काफ़ी हद तक सतर्क रहना है अपने डिसीजंस को लेकर के। चीज़ों को मोल्ड करने का प्रयास मत कीजिएगा, जो चीज़ जैसी है उसको वैसे ही रहने दें, बल्कि उसी एनवायरनमेंट में, उसी सर्कमस्टांसिस में आप लोग खुद को एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। इस अवधि में काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ आपको करने पड़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि खुद का व्यवसाय करते हैं, और आप लोग जो कि कपड़े के व्यापारी हैं, लोहे का व्यापार करते हैं, या फिर आप लोग डीलिंग्स करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कारोबार जिन लोगों का है, उन लोगों के लिए साल की शुरुआत बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेकर के आएगी। बल्कि आप लोगों के लिए ऑलमोस्ट 2020 का आने वाले 3 महीने जो रहेंगे उसमें कि फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी हद तक ग्रो करेंगे। इस अवधि में प्रॉस्पेरिटी आपके पास रहेगी, इस अवधि में ग्रोथ दिखाई दे रही है, और इस अवधि में कॉन्फिडेंस आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जितनी ज़्यादा डीलिंग्स करेंगे, जितनी ट्रांजेक्शन्स आपकी होनी है, वो पहले 3 महीनों में बहुत बेहतर रिजल्ट्स आपको देंगे। अब बात करें हम लोग खास तौर पे मार्च ऑनवर्ड्स और अप्रैल समवेयर, 14 अप्रैल के आगे की बात करी जाए, तो 14 अप्रैल से लेकर के लगभग 16 अगस्त का टाइम ऐसा रहेगा जिस अवधि में आपको काफ़ी हद तक कॉशियस रहना है अपनी सेहत के लिहाज से, क्योंकि सेहत की वजह से यहाँ पे बिज़नेस इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। बिज़नेस पीपल के लिए खासतौर पे अगर आप लोग ट्रैवलिंग्स बहुत ज़्यादा करते हैं अपने काम के सिलसिले में, या इस तरह का कोई काम है, या खुद का आपका ट्रैवलिंग्स का काम है, ट्रैवलिंग एजेंसी है आपकी खुद की, ऐसे लोगों के लिए खासतौर पे अप्रैल के बाद का टाइम जो दिखाई दे रहा है हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काम पे इफ़ेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप लोगों को खासतौर पर अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बात करी जाए आप लोगों के लिए ईयर एंडिंग की, दैट मीन्स अक्टूबर ऑनवर्ड्स के बाद देखा जाए तो लगभग 16 अक्टूबर के बाद से
आपके लिए एक ऐसा फेज शुरू होगा जिसमें कि स्टेबिलिटी रहेगी और ख़ास तौर पे स्टेबिलिटी को आप मेंटेन कर पाएंगे 2021 तक। दैट मींस कि ये जो पूरा ही साल है एक वेरिएशंस वाला समय है प्रोफेशनली अगर मैं देखूँ कुंभ राशि वाले लोगों के लिए, लेकिन इन वेरिएशंस को धीरे धीरे करके आप अगर इस चीज़ में एडजस्ट होते चले जाएँ तो आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं पर्सनल फ्रंट पे, और जजमेंट आपके लिए कार्ड निकला है। दैट मीन्स पर्सनली अगर देखा जाए तो इस साल के अंदर नए शादी के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग जिन लोगों के लिए वाद विवाद चल रहा है उनके रिलेशनशिप पार्ट में, या सोच रहे हैं इस तरह की सिचुएशंस के लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज, उन लोगों के लिए लव मैरिज के चांसेस बनेंगे एक्वायरेंस के लिए साल की शुरुआत में लगभग मई के महीने तक। लेकिन जहाँ पर आपका रिलेशनशिप है लेकिन आप शादी के बारे में अभी प्लानिंग्स कर रहे हैं, आप लोगों के लिए वाद विवाद की स्थितियाँ भी बन सकती हैं साल के शुरुआत में ही। तो आपको काफ़ी हद तक कॉशियस रहना होगा लगभग फरवरी के महीने से लेकर के मई के महीने तक। बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी, लेकिन आप लोगों के लिए साल का एंडिंग जो रहेगा वो कुछ क्वैरल्स लेकर के आ सकता है, कोर्ट कचहरी तक छोटी छोटी बातों को लेकर के जा सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहेगा इस अवधि में, जितना हो सकता है राधा कृष्ण की उपासना करनी है और रोज़ क्वार्ट्स क्रिस्टल का इस्तेमाल करना है, वो शुड बी इन पिंक कलर। बात कर लेते हैं अब आप लोगों के लिए पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो सकता है साल के कम से कम आने वाले 3 से 4 महीने तक जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो उभर करके सामने आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे समय बीतता जाएगा चीज़ें आपके लिए सेटल डाउन होती चली जाएंगी। मिड ऑफ द ईयर पारिवारिक समस्याओं को डील आउट करने के लिए, उनको एक तरह से शांत करने के लिए आप लोगों के लिए साल का जो मिड पार्ट रहेगा वो बहुत बेहतर रहेगा। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का महीना ऐसा है जिसमें कि आप लोगों के लिए स्थिति बहुत स्टेबल हो जाएगी, सामान्य रहेगी, और ख़ास तौर पे आप चीज़ों को भूलने का प्रयास करेंगे। इस अवधि में कोई कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामले जो हैं वो भी खत्म हो सकते हैं, आपके लिए फेवर में जा सकते हैं। बात करी जाए अब उन लोगों की जो कि खासतौर पे स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट्स में अपने करियर का चुनाव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कार्ड निकल रहे हैं 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप लोगों के लिए साल की शुरुआत थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स लेकर के आ सकती है, एक तरह का इल्यूजन लेकर के आ सकती है जिसमें कि मे बी आप सोच रहे हैं कुछ और लेकिन कर रहे हैं कुछ और, आप टारगेट किसी और चीज़ को बना रहे हैं लेकिन आप जा किसी और दिशा में रहें, इस तरह की सिचुएशन या मिक्स थॉट्स जो हैं आपके दिमाग में रहेंगे साल की शुरुआत में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपके लिए सिचुएशंस बेटर होती चली जाएंगी, या फिर एक कहते हैं ना कि अब जहाँ डेस्टिनी लेकर के जाती है वहीं इंसान चला जाता है, या उसी मान लीजिए आपने पढ़ाई किसी और लाइन में करी है लेकिन आपका लक जो है आपका डेस्टिनी जो है जहाँ आपको लेकर जाना चाहता है वहाँ पर आप पहुँच ही जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस एक्वायरेंस के लिए बन सकती हैं 2020 में, और साल की शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, लेकिन आपके लिए अगस्त तक चीज़ें बहुत ज़्यादा सेटल डाउन होती हुई नज़र आ रही हैं। करियर ऑप्शंस आपको काफ़ी सारे मिलेंगे, और जो बच्चे पढ़ाई पूरी करके नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए साल का मिड बहुत बेहतर रहेगा, नई ऑप्शंस भी लेकर के आएगा, और ख़ास तौर पे अब्रॉड जाने के चांसेस आप लोगों के लिए अगले साल में थोड़े बहुत कम बनेंगे, लेकिन नवंबर के बाद से आप लोग ट्राई करना शुरू कर सकते हैं। नवंबर से पहले चांसेस ऐसे रहेंगे कि आप लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन हो सकता है आप ना कर पाएँ। तो जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए नवंबर ऑनवर्ड समय ठीक है, लेकिन नवंबर से पहले और लगभग आप लोगों के लिए 24 अक्टूबर से पहले चांसेस नहीं बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सेहत के लिहाज से, तो हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के चीज़ें धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। जो परेशानियां हेल्थ इश्यूज़ अभी हैं वो 2020 के स्टार्टिंग में रिजॉल्व आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कि थोड़े से ओल्ड एज के लोग हैं या फिर जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए सेहत संबंधी दिक्कतें धीरे धीरे करके ख़त्म होंगी। आप लोगों को इस समय पर ख़ास तौर पे अगर बात करी जाए 2020 की स्टार्टिंग की, तो जनवरी ऑनवर्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिजॉल्व आउट तो हो रही हैं लेकिन उसके बावजूद भी आपकी तरफ से नेग्लिजेंस जो है वो बराबर बढ़ती जाएगी। 2020 में अगर मिड पार्ट की बात करी जाए तो आपके लिए नेत्र विकार से जुड़ी हुई समस्याएं उभर सकती हैं, और ख़ास तौर पे स्किन इश्यूज़ जो हैं 2020 के मिड में बहुत ज़्यादा रहेंगे। जिन लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिनका बुध खराब है, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, जिनकी कुंडली में बुध खराब है उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप लोगों को साल के जो बीच का समय होता है लगभग जुलाई से लेकर के सितंबर तक का समय, 24 सितंबर तक का समय आपको स्किन इश्यूज से लेकर के बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अचानक से ऑल ऑफ अ सडन बढ़ भी सकती हैं।
चलिए, तो बात हुई एक्वेरियंस के बारे में। मैं आशा करती हूँ ये खास टिप्स आपके लिए यूज़फुल रहेंगी। और 2020 में जितने भी उतार चढ़ाव हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन सभी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आज तक के साथ।